अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नौशीन और आज मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा मोहसिन साहब, हमारे सीनियर सहाफ़ी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में ताज़ा तरीन सियासी वाक़ियात और हालात का जायज़ा लेते हैं और गैर जानिबदाराना हकीकत पर मबनी और बिलाग तजिया करने की कोशिश करते हैं ताकि पस मंज़र में छुपी सच्चाई को आपके सामने ला सकें, क्योंकि शुरू से ही हमारा विज़न रहा है मुनसिफ टीवी का साथ सच का साथ। बहरहाल, इस विज़न को सामने रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि ख़बरों के पीछे छुपे हुए सच, हालात और वजूहात को आपके सामने लाएं। नाज़रीन, दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है और रोज़ाना ही नई नई इल्ज़ाम तराशियां की जा रही हैं और नए हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और आम आदमी पार्टी सरबरा अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी रैलियों से खिताब किया है और आवाम की तायद हासिल करने की कोशिश की। नाज़रीन, आइए पहले नज़र डालते हैं इससे जुड़ी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका असेंबली हलके का दौरा करते हुए इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने दिल्ली की आवाम से अपील की है कि वह इस बार दिल्ली में बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएं। दिल्ली की तरक्की के लिए वाज़ेह अक्सरियत वाली हुकूमत बनाना ज़रूरी है और इन्होंने इस जलसे के दौरान ये भी कहा कि वो नसीब वाले हैं और उनके नसीब से अगर आवाम को फ़ायदा हो रहा हो तो बदनसीबों को इख्तदार पर लाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए हुआ है, अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। ये देश का दुर्भाग्य रहा अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। जी मुस्तफ़ा मोहसिन साहब, जिस तरह का बयान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सामने आया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या मोदी ने आवाम को ये बताने की कोशिश की है कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर तो किरण बेदी होंगी लेकिन आवाम के लिए वही काम करेंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है कि नरेंद्र मोदी ने एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि चाहे वहाँ की चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे वहाँ का नेता कोई भी हो, लेकिन असल तमाम मामलात उनके हाथ में रहेंगे और वो वहाँ के आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। जी, तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि मरकज़ ही दिल्ली में अपना इख्तदार जमाएगी और मरकज़ जिस तरह से अब काम कर रही है, पिछले वक्त जो काम कर रही थी वो भी अमल दखल इनका जारी रहेगा। जी देखिए, हुकूमत तो दिल्ली असेंबली इंतखाबात के बाद कायम होगी, वहाँ की दिल्ली की हुकूमत ही कहलाएगी और शायद हो सकता है कि अगर बीजेपी इख्तदार पर आ जाए तो किरण बेदी उसकी चीफ मिनिस्टर बने, और अगर ऐसा हो तो मोदी ने कहा है कि अगर मरकज़ में और रियासत में यानी दिल्ली में बीजेपी की ही हुकूमत हो तो मसाइल को बेहतर तौर पर हल किया जा सकेगा। इस तरह उन्होंने आवाम को ये बताने की कोशिश की है कि चीफ मिनिस्टर चाहे कोई भी हो लेकिन मामलात वही हल करेंगे, दिल्ली के आवाम को सहूलतें पहुँचाएँगे। इसी तरह उन्होंने अपने जलसे में एक बात ये भी कही कि जब हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने फौरी द्वारका इलाके के पानी का मसला हल करने की कोशिश की और हरियाणा से जो रुकावट पैदा हो रही थी यहाँ पानी की सरबराही में, उसको दूर कर दिया। उन्होंने यहाँ के आवाम से जुड़ने की भी कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो भी दिल्ली वाले हो चुके हैं और द्वारका का मसला उन्होंने हल किया है, इसी तरह दीगर मसाइल भी हल करेंगे। उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि वो गैर मजाज कॉलोनियों को बाकायदा बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो गरीब आवाम के लिए पक्के मकानात तामीर करके देंगे। तो इस तरह उन्होंने आवाम को ये बताने की कोशिश की है कि असल इख्तदार यानी असल हुकूमत उन्हीं की होगी, बीजेपी की होगी और यहाँ के आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। अब आपको मैं माजी में ले जाना चाहूँगा।
आप देखेंगे कि कुछ अरसा पहले जब यूपीए की हुकूमत थी, मरकज़ में यूपीए की हुकूमत थी और दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत थी, शीला दीक्षित उसकी चीफ मिनिस्टर थी, तो यहाँ काफ़ी काम हुए थे। शीला दीक्षित ने आवाम के कई मसाइल को हल किया था। तो ये एक सच बात है कि जब दोनों यानी मरकज़ और रियासत दोनों जगह एक ही पार्टी की हुकूमत होती है तो आवाम को फ़ायदा होता है। जी, जिस तरह से कल की रैली में सोनिया गांधी ने भी केजरीवाल और मोदी पर निशाना साधा है, आइए अब नज़र डालते हैं सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की इस तकरीर पर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने दिल्ली इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए हलका असेंबली बदरपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, NDA सरकार और आम आदमी पार्टी सरबरा अरविंद केजरीवाल को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने वोटर से अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट दें क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। डेढ़ महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए, फिर आई भाजपा सरकार, वो भी चुनाव कराने की जगह अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय चुनाव टालती रही और दिल्ली को अपने हाल पर छोड़ दिया। इस एक साल में कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी बिगड़ी वह आप सबके सामने है, खासकर मेरी प्यारी बहनों पर अत्याचार के तमाम मामले दर्ज हो रहे हैं। आम जनता की जिंदगी में परेशानियां बढ़ी, बिजली और पानी की समस्या बढ़ी, भ्रष्टाचार और महंगाई की मार से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ी। तो दिल्ली की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी की सरकार, आप तो सब जानते हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, आखिर उन वादों का क्या हुआ? तो सोनिया गांधी का जो बयान इसके सामने आ रहा है कि आपको क्या लगता है उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो कहाँ तक दुरुस्त हैं? अब देखिए, इंतखाबी मौसम है, इल्ज़ामात तो लगाए जाते रहते हैं, एक पार्टी दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती है। और सोनिया गांधी ने जो बात कही है वो ये है कि एक पार्टी सिर्फ प्रचार करती है, दूसरी पार्टी धरने देने में माहिर है। इस तरह उन्होंने बिलवास्ता तौर पर BJP का और आम आदमी पार्टी का हवाला दिया है। उन्होंने यहाँ पे आवाम को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले मोदी ने ये वादा किया था कि जब वो इख्तदार पर आएंगे तो काला धन जो बैरूनी ममालिक में जमा है उसे वापस लाया जाएगा और हर शहरी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपये जमा कराए जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने ये वादा याद दिलाने की कोशिश की है और ये कहा है कि BJP सिर्फ वादे करने वाली पार्टी है, वो काम नहीं करती। एक हद तक ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि आप देखेंगे कि जब से BJP बरसरे इख्तदार आई है उसने अपने असल एजेंडे को यानी जो तरक्की का एजेंडा था कहीं पीछे डाल दिया है। अब तो काला धन की बात भी नहीं होती, जबकि UPA के दौरे हुकूमत में बढ़ चढ़ कर ये मसला उठाया जाता रहा है। अन्ना हजारे ने इस पर एहतजाज किया था, BJP ने इस पर एहतजाज किया था, कई जमातों ने इस पर एहतजाज किया था और इल्ज़ाम आयद किया था कि मनमोहन सिंह की क़ियादत वाली जो UPA हुकूमत है वो काला धन वापस लाने में नाकाम है, वो कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है इसलिए काला धन वापस लाना नहीं चाहती। लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी देखिए कि मोदी हुकूमत को बरसरे इख्तदार आए हुए सिर्फ 9 माह हुए हैं और 9 माह के अरसे में उसने कुछ पेशरफ तो की है लेकिन भरपूर तौर पर जिस तरह पेशरफ की जानी थी, अपने वादे को जिस तरह मुकम्मल किया जाना था उस तरह उसने काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल गया है अपोजिशन जमातों को कि मोदी हुकूमत सिर्फ प्रचार करती है, काम नहीं करती। अब आप ये भी देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 49 डेज के लिए हुकूमत की थी, उन्होंने जैसे ही इख्तदार पर आए थे वो करप्शन के खात्मे का जो उन्होंने वादा किया था उस सिलसिले में पेशरफ्त की थी। उन्होंने उस वक्त एक कानून जन लोकपाल लाने की भी कोशिश की थी और एक हेल्पलाइन बनाई थी जिसके ज़रिए अवाम रिश्वत मांगने वाले अहदेदारों के बारे में उन्हें इत्तला दे सकें। तो होना ये चाहिए कि हुकूमत
इंतखाबात से कबल जो वादे करती है इख्तदार पर आने के बाद उन्हें याद रखे और इस सिलसिले में कुछ ना कुछ ठोस काम करके दिखाए, चाहे कितनी ही मुख्तसर मुद्दत क्यों ना हो। जैसा कि मैंने अभी आपको मिसाल दी है, अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 49 डेज़ में काम किया था और उनके काम से अवाम इतने मुतासर हुए हैं कि एक बार फिर उन्हें मौका देने के हामी हैं। जी बढ़ते हैं मजीद हम अपनी बातचीत की जानिब। आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली में पार्टी के बरसर इख्तदार आने पर खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। आइए देखते हैं इनका बयान। अभी थी दिल्ली को चला रहे थे वो लोग, तो दिल्ली में जो कुछ भी 7 महीने में घटित हुआ उसकी जिम्मेदारी तो सारी की सारी इनको लेनी पड़ेगी, ठीक है। वी कैन नॉट हैव अ ब्लेम गेम। दूसरी चीज़, जो हमने 3 बातें कही हैं उन तीनों बातों में पुलिस की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा CCTV कैमरे लगाएंगे पुलिस के पास, सुनो आ रहा हूँ ना सर, आ रहा हूँ पूरा कर लूँगी, चिंता मत कीजिए सारे प्रश्नों के जवाब। तो CCTV कैमरे लगाएंगे, उसमें अगर दिल्ली पुलिस के पास बजट नहीं है हम बजट देंगे, हम लगवाएंगे, हम मैन पावर देंगे उसको मॉनिटर करने की, नंबर एक। नंबर दो, हमने कहा सिक्योरिटी गार्ड बिठाएंगे, होमगार्ड हैं 12,000 होमगार्ड हैं, 55,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, इनको नियुक्त करेंगे, उसके अंदर एक पैसे का एडिशनल खर्चा नहीं है, उसके अंदर बसों में नियुक्त करेंगे। तीसरा, एक मिनट उनका जवाब सुन लीजिए। तीसरा हमने कहा कि ऐप देंगे, सॉरी ऐप नहीं, वो सिक्योरिटी पुलिस पहुंचेगी, कोऑर्डिनेशन, तो पुलिस वाले करेंगे ये काम। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, 49 दिन की उनकी सरकार रही है, इससे पहले शीला दीक्षित की हुकूमत भी रही है, हमेशा ही खवातीन की हिफाजत को लेकर एक मुद्दा है जो पूरी तरह से हमेशा उठते रहता है, तो क्या इसकी तरफ कोई भी पार्टी पूरी तरह से बहतु दिखाई क्यों नहीं देती? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कल अपने बयान में कहा है कि मोदी हुकूमत जब से बरसर इख्तदार आई है खवातीन के खिलाफ जराइम के वाकयात में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि 2013 में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के वाकया 1571 वाकयात पेश आए थे और मोदी हुकूमत के बरसर इख्तदार आने के बाद 2014 में सिर्फ 7 माह के अरसे में ऐसे 2069 वाकयात पेश आए। तो उन्होंने इसी को मुद्दा बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ख़वातीन के तहफ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है और अगर वो बरसर इख्तदार आते हैं, अगर उन्हें हुकूमत मिलती है, तो वो ख़वातीन के तहफ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे और दिल्ली में मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबन 10 लाख CCTV कैमरे नसब किए जाएंगे जिनके ज़रिए ख़वातीन के ख़िलाफ़ छेड़छाड़ करने वालों पर या जराइम पर नज़र रखी जाएगी। उन्होंने एक और बात भी ये कही कि वो दिल्ली के अवाम से दोबारा माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने 49 डेज में ओहदा छोड़ दिया था और अपने वादों को पूरा नहीं कर सके थे, और ये भी वादा किया कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर उन्हें अवाम उन्हें एक मौका देते हैं तो वो पूरी मियाद के लिए हुकूमत चलाएंगे और अपने वादों को पूरा करके दिखाएंगे। जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बयान सामने आए, इसी दौरान BJP ने भी 1984 मुखालिफ सिख फसादात की तहकीकात के लिए SIT की तश्कील के ताल्लुक से बात कही है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि SIT की तश्कील होने के बाद क्या वाकई में खुलकर पूरी बात सामने आएगी? जी देखिए, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये वाकया 1984 में पेश आया था उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद। इस वाकये की तहकीकात के लिए कई कमीशन बनाए गए, कई कमेटियां बनाई गईं। आखिरी कमीशन जो बना था GT नानावती कमीशन, उसने 2005 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी और इसमें कमीशन ने कांग्रेस के एक लीडर जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को मुलजिम ठहराया था और कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो कांग्रेस ये कह रही है कि ये एक इंतखाबी हथकंडा है और बज़ाहिर देखने में भी यही नज़र आता है कि चूंकि इंतखाबात सर पर हैं लिहाजा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, हालांकि असल मुकाबला BJP और आम आदमी पार्टी के दरमियान ही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो थोड़े से इम्कानात हैं, मामूली से इम्कानात हैं, उन्हें भी ख़त्म करने ये एक हथकंडा खेला जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हम बेलाग तजिया करते हैं, यानि किसी का साथ नहीं देते, ये गैर जानबदाराना तजिया होता है, ना हुकूमत का और ना अपोजिशन का, हम किसी का साथ नहीं देते। तो ये खुलकर कहा जा सकता है कि ये एक इंतखाबी हथकंडा है, क्योंकि जिस मामले की इतनी तहकीकात हो चुकी हैं, 30 साल पहले पेश आया था वाकया, कई कमीशन कायम किए गए, कई कमेटियां बनाई गईं, मुकदमे चलाए गए, जिनको सज़ा मिलनी थी मिल चुकी है, जिन पर मुकदमा चलना था चल चुका है और अभी भी चल रहा है, तो दोबारा इसकी एक तरह से जाँच कराना एक इंतखाबी हथकंडा मालूम होता है। हमारे कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी इस ताखिर पर सवाल उठाया है और उन्होंने एक बात यह भी कही है कि
उन फसादात में यानी 1984 के मुखालिफ सिख फसादात में आरएसएस का भी रोल था, उसे क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? आरएसएस के रोल की भी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने ये एक नई बात कही है, लेकिन बहरहाल देखने से ये नज़र आता है कि ये एक इंतखाबी हथकंडा है। अभी मैं आपको एक और बात बता दूँ कि दो दिन पहले यानी हफ्ते के दिन जयंती नटराजन का एक बयान सामने आया, जो मरकज़ में माहौलियात की वज़ीर रह चुकी हैं, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी उनके कामकाज में मुदाखलत करते रहे हैं, और हालांकि उन्होंने राहुल गांधी की हिदायत को फॉलो किया था, उन पर अमल किया था, इसके बावजूद उन्हें बदनाम किया जा रहा है, पार्टी क़ियादत उन्हें नज़रअंदाज कर रही है और उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही, तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इंतखाबात के पेश नज़र ये भी एक हथकंडा है। और शायद जिस तरह कांग्रेस के कई कायदीन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो शायद जयंती नटराजन भी उसी तरफ झुकाव रखती हों, हम यकीन से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इम्कानात ऐसे नज़र आते हैं। जी, यहाँ पर एक अहम सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि बीजेपी के पास इतने दिग्गज नेता हैं जिस तरह से देखा गया है, तो उन्होंने किरण बेदी को इसके लिए चीफ मिनिस्टर के अहदे के उम्मीदवार बनाने की इसकी क्या वजह है? देखिए, आपको शायद मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में इस बात का तذکرہ किया है कि जब तक किरण बेदी नहीं आई थी, बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर पहचाना जाता हो। जी, एक तो ये बात थी, दूसरी ये देख रहे थे लोग कि मोदी ही प्रचार करेंगे और मोदी को ही हुकूमत दी जाएगी, लेकिन मोदी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वजीर आजम है। तो अब यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कोई कायद चाहिए था, और बीजेपी को ये भी अंदेशा था कि आम आदमी पार्टी की मकबूलियत को देखते हुए शायद उसे हार हो जाए। अगर हार हो जाती और वजीर आजम के मुहिम चलाने के बावजूद हार हो जाती तो ये बड़ी शर्मनाक बात होती। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मैं ये कहूँगा कि हार का ठीकरा उनके सर पर फोड़ने किरण बेदी को बीजेपी ने अपने साथ शामिल किया है, तो उन्हें एक सेफ साइट सीट दी गई है इस तरह से देखा जाए तो। जी, किरण बेदी को वो सीट दी गई है जहां से बीजेपी हमेशा कामयाबी हासिल करती रही है, यानी कृष्णा नगर हलके की सीट, यहां से इससे पहले मरकज़ में जो अब वजीर हैं हर्षवर्धन साहब वो जीतते रहे हैं, वो कामयाबी हासिल करते रहे हैं, तो यहां से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की चीफ मिनिस्ट्री की जो उम्मीदवार हैं किरण बेदी, उनकी जीत तकरीबन यकीनी है। तो क्या बीजेपी में किरण बेदी के आने की वजह से अंदरूनी अख्तलाफात नहीं बढ़ गए हैं चीफ मिनिस्टर के अहदे क्यों? नहीं, इख्तलाफात तो थोड़े कुछ हमको देखने में आए थे जिस वक्त सतीश उपाध्याय के हामियों ने बीजेपी के दफ्तर पर मुजाहरा किया था, एहतजाज किया था, और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि सतीश उपाध्याय को नज़रअंदाज ना किया जाए, उन्हें महरौली से नुशिस्त दी जाए, उन्हें सीट दी जाए, टिकट दिया जाए, और इस तरह कुछ इख्तलाफात देखने में आए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी के जो मरकज़ी कायदीन हैं, जैसे आपके अमित शाह हैं और आपके राजनाथ सिंह हैं, दीगर जो कायदीन हैं, उनकी गिरफ्त पार्टी पर काफ़ी मजबूत है। तो जब अमित शाह ने किरण बेदी को लाने का फैसला कर लिया, उन्हें चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बना दिया गया, तो उनकी जो गिरफ्त है उसकी वजह से अब ज़्यादा इख्तलाफात देखने सामने नहीं आ रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मोदी सरकार जिस तरह से कह रही कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब तक तो अच्छे दिन आने का जो कुछ भी सामने आ रहा है कि दिखाई नहीं देता कि कहीं अच्छे दिन हैं, तो क्या दिल्ली की आवाम के लिए क्या वाकई में अच्छे दिन आएंगे? जी देखिए, ये कहा जा सकता है कि जब मरकज़ में और रियासत में एक ही पार्टी की हुकूमत हो तो काम तो होगा, ज़रूर होगा, और बीजेपी इब्तदा में अपनी कारकर्दगी को साबित करने की कोशिश करेगी और दिल्ली वालों के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। अच्छा, एक बात ये भी आपको बताता चलूँ कि मोदी ने कल एक दिलचस्प कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि वो नसीब वाले हैं और उनके नसीब से अगर आवाम को फ़ायदा पहुंच रहा है, जैसे कि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, तो फिर बदनसीबों को इख्तदार पर लाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से उन्होंने उन हालात का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश की है जो खुद ब खुद पैदा हुए हैं, जो बैनुल अक्वामी सतह पर पैदा हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि तेल की कीमतें बैनुल अक्वामी सतह पर जो वाकयात पेश आ रहे हैं उनकी वजह से कम हुई है, तो मोदी ने इसका सहरा भी अपने सर बांधने की कोशिश की और कहा कि उनके नसीब से ये काम हुआ है। एक तरह से उन्होंने इसका सहरा लेने की कोशिश की, दूसरी तरफ अपने मुखालिफिन का मजाक भी उड़ाया कि
जो मुखालिफिन उनके ये कह रहे थे कि भाई ये तो बैन अल-अक़वामी हालात का नतीजा है, इसका सेहरा मोदी को क्यों दिया जाए, तो इस तरह उन्होंने मुखालिफिन का मजहका भी उड़ाने की कोशिश की है और अपने आप को अच्छा नसीब वाला बताने की कोशिश की है। मोदी ने अपने जलसे में जनधन योजना का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस योजना की वजह से आवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, यानी उन्हें 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस हासिल होगा, उन्हें अगर बीमार होने पर 20,000 रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा, और उन्होंने इस तरह से कई अच्छी बातें कही, कई अच्छे वादे किए। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो भी वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा करके दिखाया जाए, सिर्फ वादों की हद तक महदूद ना रहें, अपोजिशन को यह कहने का मौका ना दें कि ये सिर्फ एक प्रचार करने वाली पार्टी है। जी शुक्रिया मुस्तफ़ा मोहसिन साहब के, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और आवाम को बताने की कोशिश की कि वाकई में हर लीडर वादे तो करता है, वादे उस वक्त पूरे होने ज़रूरी हैं जब वो आवाम का दिल जीतेगा। तो यहाँ पर बीजेपी ने हमेशा से जैसे ही कहा है कि अच्छे दिन तो वापस आएंगे, अब देखना यह है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है या अरविंद केजरीवाल की सरकार या फिर कांग्रेस, कौन इस गद्दी का हकदार बनता है। वक्त तो चला है अख्तितम का, दीजिए इजाज़त।